हेलो, आज की वीडियो हमारी आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक की अपडेट की वीडियो है। हम पिछले कई दिनों से इसकी अपडेट ले रहे हैं, तो आज की वीडियो में मैं बता दूं, आज कोई न्यू अपडेट नहीं है। लेकिन और मैं आपको एक कल वीडियो बनाऊंगा। मैंने आपके कमेंट्स पढ़े और मैं रिप्लाई नहीं दे पाया सबका, कुछ का दिया। जो कमेंट्स के अंदर कुछ मुझे एक क्वेश्चन लगा कॉमन कि सर आप एक बार दो बार है, मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या है, कैसे आपको बनवाना है, क्या क्या प्रोसीजर है, मैंने पहले भी बता रखा है। लेकिन फिर भी बच्चों को डाउट है, कुछ बच्चों के दोबारा कमेंट आए कि सर एक बार आप थोड़ा और ब्रीफ, मतलब सॉरी डिटेल में एक्सप्लेन कर दे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो आपके लिए मैं कल दोबारा एक बार और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, उसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कल ही, और आप पिछली वीडियो में भी जाके देख सकते हैं, एक फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। इसका फॉर्मेट क्या है, कैसे बनवाना है, क्या क्या प्रोसीजर है, और मतलब जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हो क्या क्या प्रोसीजर होगा। एक क्वेश्चन जो इसके अंदर था कि सर क्या हम मोहल्ला क्लिनिक से बनवा सकते हैं अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, तो मोहल्ला क्लिनिक से आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं बनता। और कोई छोटी मोटी छोटी डिस्पेंसरीज वगैरह होंगी, हाँ डिस्पेंसरीज में बनता है, लेकिन जो छोटी डिस्पेंसरीज होती है जहाँ बहुत सारे जैसे आईज और ईयर या कुछ इस तरह की चीज़ें चेक करने के इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह नहीं होते, वहाँ भी नहीं बन पाएगा। तो आपको पता है ना, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट में आपको प्रॉपर कुछ चीज़ चेक करवानी होती है, तो वह जो छोटी डिस्पेंसरीज है वहाँ नहीं होता, बड़ी में हो जाता है इजीली, और हॉस्पिटल में तो आपका हो ही जाएगा। क्या क्या प्रोसीजर होगा, कैसे कैसे होगा, एक बार दोबारा डिटेल में बात कर लेंगे कल। और इसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चन हैं, आपके बहुत सारे क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चन को भी पहले आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बता दूंगा, उसके बाद आपके क्वेश्चन ले लेंगे, और अगर कोई और अपडेट मिलेगी वो बता देंगे। प्लस जो बच्चे हैं जिनकी रैंक अभी बता रहे हैं कि सर में ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा है कि सर में इतनी रैंक है, क्या हो पाएगा क्या नहीं हो पाएगा, तो मैंने आपका इसका क्वेश्चन मतलब आंसर पहले भी दिया है इस क्वेश्चन का, और कल भी एक बार और बात कर लेंगे। आंसर्स मेरा जो आंसर है वो ही रहेगा जो मैं आपको पहले भी बता के आया हूँ। मैं कोशिश करूँगा एक बार और आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो मेन कल हमारी वीडियो क्या होगी, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के ऊपर। इसके बाद आपके ये भी कमेंट थे कि सर पुलिस वेरिफिकेशन का भी स्टेप बाय स्टेप बता दो, मतलब आप जैसे एक डेमो भर के दिखा दो ऑनलाइन, कैसे कैसे फॉर्म फिलअप करते हैं PCC पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट का, तो एक वीडियो उसके ऊपर भी आ जाएगी स्टेप बाय स्टेप। आप पहले PCC की वेबसाइट पर जाओगे, अपनी ईमेल आईडी डालोगे, पासवर्ड बनाओगे, फिर कैसे अप्लाई करोगे, तो ये वीडियो भी मैं आपकी बना दूंगा। और बस और कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसे भी कवर करने की कोशिश करेंगे, या कुछ और क्वेश्चन से इस वीडियो में मिलेंगे तो वो भी देख लेंगे। और कुछ भी होगा तो आप कमेंट करके बता देना। आज की वीडियो में इतना ही, कोई भी फार्मेसी से अपडेट आएगी नहीं तो आपको बताता रहूँगा। जैसे अभी पंजाब के अंदर मोहल्ला क्लिनिक की अपडेट आई, मैंने आपको बता दी। अभी इस बीच में एक दो फॉर्म और आए थे, जब हम मोहल्ला क्लिनिक की अपडेट ले रहे थे, एक दो फॉर्म की वैकेंसी और आई थी, मैंने वो नहीं बताई क्योंकि वो इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं थी। और दूसरा आप जैसे जो बच्चे हैं अभी, अब जैसे मतलब प्रॉपर फील्ड की नहीं थी, जो हमारा रीजन है दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्र का है, वैकेंसी आंध्र प्रदेश की, तमिलनाडु की और नॉर्थ ईस्ट राज्य की मिली थी, और वो भी एक एक पोस्ट थी, सिर्फ मात्र एक पोस्ट। तो उस दौरान मैं आपको बता नहीं पाया, मैंने एक दो वैकेंसी का अपडेट शायद कम्युनिटी में भी डाला था। अब हम क्या है, अपनी बाकी अपडेट्स भी रेगुलर रखेंगे और क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे अपनी DSSSB की प्रिपरेशन की। साथ में आपका कमेंट आया था उत्तर प्रदेश सर्विस सिलेक्शन कमीशन UPSSC PET का भी क्या है, स्टार्ट करवा दीजिए प्रिपरेशन। जो कॉमन टॉपिक्स हैं वो हम स्टार्ट कर देंगे, मेन हमारा फोकस रहेगा DSSSB। अगर आपने DSSSB की प्रिपरेशन कर ली तो बाकी प्रिपरेशन है, उसके आगे कुछ भी नहीं है, मेन बात ये है। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं कर रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।